तो सबसे पहले है कि uh, मैं आपको बताती हूँ डिविजन करेंगे अभी हम थोड़ी देर तक डिवाइड <laughs> करना है तो बहुत सिंपल तरीके से आप करोगे ठीक है 369 डिवाइडेड बाय अ नंबर दैट मेक्स इक्वल्स टू 369 ओनली तो आपको पता है क्या करना है आपको पता है कि 369 डिवाइडेड बाय अ नंबर दैट वी डोंट नो लेट अस सपोज इट इज एक्स तो हमें आंसर मिलेगा 369 ठीक है ये हमारा स्टेटमेंट बनेगा जो हम इक्वेशन फ्रेम कर रहे हैं आप सिंपली इसे कैसे कर सकते हैं आपको पता है कि दिस कैन बी रिटर्न अपॉन गेटिंग वन द वैल्यू ऑफ एक्स तो हमने इसे वन लिखा ठीक है और आपको टेबल लर्न है आप इसे खुद जानते हो कर लोगे दूसरी चीज बी क्वेश्चन में है माइनस सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाई ए नंबर वन ये मेथड में आपको यहाँ पे क्यों बता रही हूँ ताकि आपको साइन रखने में दिक्कत ना हो कि कब नेगेटिव साइन होगा कब पॉजिटिव साइन होगा नंबर्स के साथ न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप सेपरेटली इसे सॉल्व करें तो आई एम वेरी श्योर इट विल बी गुड टू गो सो द सेकंड पॉइंट इज कि माइनस सेवेंटी फाइव डिवाइडेड नंबर एक्स दैट मेक्स इक्वल्स टू माइनस वन करेक्ट सो हेयर यू विल गेट सिंपल आंसर कि यहाँ पे आप माइनस सेवेंटी फाइव को डिवाइड कर रहे हो एक्स से तो आपको माइनस वन इसका क्वेश्चन करेक्ट तो आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस सेवेंटी अपॉन एक्स लेट्स रिमूव एक्स क्योंकि अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो माइनस वन आकर यहाँ आ जाएगा और एक्स इधर चले जाएगा ठीक है तो यहाँ से हमें एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा ओनली सेवेंटी फाइव तो बस आंसर मिल गया सेवेंटी फाइव ठीक है सेकेंड लास्ट लास्ट वन इज माइनस टू हंड्रेड एंड सिक्स डिवाइडेड बाई अंबर दैट तो आप इसे सिंपली कैसे फ्रेम करोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है हमारे लिए है ना क्योंकि साइन uh, एक्यूरेट लिखा तो आंसर मिले मतलब uh, नंबर्स मिलेंगे आपको अदरवाइज फिर गड़बड़ जाएगा सो माइनस टू हंड्रेड एंड सिक्स डिवाइडेड बाय अ नंबर तो आई केप्ट इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर राइट तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो दैट इज इक्वल टू वन आना चाहिए है ना तो हमें x का वैल्यू नहीं पता विल मल्टीप्लाई अगेन लाइक हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सिंपली हमें जैसे है x प्लेस uh, में वन आएगा और वन के प्लेस में x चला जाएगा तो माइनस टू हंड्रेड एंड सिक्स अपॉन वन इक्वल्स टू एक्स आ गया है ना तो यहाँ पे आपको x इक्वल टू माइनस टू हंड्रेड एंड सिक्स ही मिल रहा है तो बस आंसर खत्म अब एक बात और मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कराया है इन तीन प्लेसेस में ये आपको थोड़ा क्लैरिटी है या नहीं वो मैं आपको समझा देती हूँ आप हमेशा याद रखिए माइनस टू हंड्रेड एंड सिक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू वन लिखा है मैंने तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया है ये बहुत सिंपल है वन अपॉन वन लिखा तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू हंड्रेड एंड सिक्स टाइम्स वन आ गया और यहाँ पे x इंटू वन हो गया है ना तो बस सिंपल है ऐसे ही आपका काम हो गया और ये खत्म ठीक है तो ये सिंपल सा मेथड है questions को solve करने का। तो अब ये सारे questions आप खुद से बनाएंगे ठीक है तो ई एफ जी एच ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें प्लीज अपनी शीट्स पे बनाना शुरू करो और मुझे आंसर लिखना भी शुरू करके बताइए क्विकली डू इट मैंने आपको रास्ता बताया कि सिंपली साइन में हम कंफ्यूज ना हो उसके लिए आप ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला मेथड uh, यूज कर सकते हो अदरवाइज हम इसे डायरेक्टली कर सकते हैं आपको कैसे पता है देखो जब डिवाइजर और डिविडेंड दोनों नेगेटिव होते हैं तो क्वेश्चन पॉजिटिव आता है राइट right? तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैं इसे माइनस वन से डिवाइड करूंगी तो मुझे क्वेश्चन एटी सेवन ही मिलेगा ठीक है दैट्स द फर्स्ट थिंग अब यहां पे द नंबर इज डिवाइडेड बाय वन गिफ्ट इक्वल टू माइनस एटी तो आपको पता है कि नेगेटिव कब आएगा या तो न्यूमरेटर लाइक डिविडेंड नेगेटिव हो या डिवाइजर नेगेटिव हो तो सिंपल है यहाँ पे आप इसे माइनस एटी ही लिखोगे तो आंसर आपका माइनस एटी ही आएगा करेक्ट सिमिलरली हमें यहाँ पे माइनस वन चाहिए ठीक है तो आपको क्या दिख रहा है कि क्वेश्चन नेगेटिव आ रहा है मतलब डिविडेंड या फिर डिवाइजर इन दोनों में से किसी एक के पास ना नेगेटिव साइन ही होगा राइट right? तो सिंपली आप क्या करो इसको माइनस फोर्टी एट लिख दो अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं आ रहा है तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ ठीक है ध्यान से आप सुनना हमने क्या देखा क्वेश्चन में हमारे पास था यहाँ पे कि दिस एफ टेल्स क्वेश्चन एफ डैश डिवाइडेड बाई फोर्टी एट इक्वल्स टू माइनस वन राइट तो आई टेल की लेट्स टेक एक्स अपॉन डिनोमिनेटर तो के फॉर्म में लिख लेती हूँ और क्वेश्चन हमारा होगा फिर से हमने वन अपॉन वन किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया राइट तो हमें क्या मिला एक्स बिकम्स वन इंटू फोर्टी एट राइट एंड दैट इज वाई वी आर गेटिंग माइनस फोर्टी एट एक्स का वैल्यू तो या तो आप इस वे से कर सकते हो देर आर डिफरेंट वेज टू सोल्व क्वेश्चन राइट सो यू कैन डू लाइक दिस और यू कैन जस्ट यूज योर अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन सो बस काम खत्म ठीक है अब ये जो लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है आप देखो ट्वेंटी डिवाइडेड गिव्स माइनस टू राइट तो सिंपल है आपको पता होना चाहिए कि 20 को हमने uh, किसी नंबर से डिवाइड करना और माइनस टू हमारा क्वेश्चन होना चाहिए तो 20 डिवाइडेड बाय अ नंबर दैट गिव्स अस क्वेश्चन माइनस टू तो सिंपल है 20 अपॉन एक्स क्वल टू माइनस टू अपॉन वन ठीक है हम इधर क्योंकि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर आप वन लिख रहे हो तो इट विल नॉट इफेक्ट इट्स वैल्यू बिकॉज इट्स माइनस टू ऑनलीट्स मेक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सो वट डू वी गेट हिस्सर इट कम्स ट्वेंटी वन आर ट्वेंटी एंड इट कम्स माइनस टू इन टू एक्स दैट इज टू एक्स सो माइनस ट्वेंटी नहीं होगा ट्वेंटी इक्वल टू टू एक्स देन एक्स बिकम्स इक्वल्स टू बिकम्स इक्वल टू ट्वेंटी और यहां से नेगेटिव सॉरी मैंने ये माइनस साइन स्किप कर दिया तो अब लगा दिया है ठीक है तो एक्स बराबर हमें क्या मिला है माइनस टेन तो आंसर यहाँ पे आप क्या लिखोगे माइनस टेन सो दैट इज डन ओके दिस लास्ट वन ओहो दिस इज रियल इंटरेस्टिंग अब क्या होता है कि या तो हमने टेबल्स लर्न कर रखे ठीक है तो आपको क्लैरिटी होगा कि हम डायरेक्ट आंसर कैसे पता कर सकते हैं यहाँ पे एक ट्रिक भी फॉलो हो रही है देखो आप अगर हमें ये डिवाइजर चाहिए तो आप क्वेश्चन और डिविडेंड दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करो वो डिवाइजर के इक्वल आएगा तो यहाँ पे हम कोई नंबर लिखेंगे इंटीजर होगा जिसे हम फोर से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन माइनस आएगा पता नहीं कैसे करना है लेट अस सपोज दैट नंबर इज वाई डिवाइडेड बाय फोर गिव्स अस माइनस ओके सो वाई अपॉन फोर इक्वल्स टू थ्री माइनस थ्री अपॉन वन आई कैन राइट लाइक दिस से ये और नो वट डू यू सेन तो इट कम्स एज वाईक्वल्स टू माइनस थ्री टाइम्स फोर दैट इज माइनस ट्वेल्व एंड यहां पर आप माइनस ट्वेल्व लिख दो ठीक है बस कितना छोटा सा लिखा है मैम दिख भी नहीं रहा है कोई बात नहीं मैं लिख देती हूँ फिर से ही तो यहां पर आया है ये माइनस ट्वेल्व एंड ये हो गया आपका कंप्लीटली ट ठीक है तो हमें ऐसे ही क्वेश्चंस को मैप करना है कोई एक रास्ता है क्या नहीं इस क्वेश्चन को ही करने के दो से तीन रास्ते हैं उससे भी ज्यादा हो सकते हैं ठीक है लेकिन आप कैसे कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है राइट सो डू इट एंड डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन होप यू लाइक दिस से थैंक्स आई एम ग्रेट डे ऑल थैंक यू बाय बाय